एनआरसी देश को बचाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, भारत को बचाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे। धरना तो बच्चों में होता ही रहेगा और ये तो हमारे हाथ में आ गई, ये काम, ये तो टेक्निक अब हमारे हाथ में आ गई। हम तो छोटे तो रब को धरना कर देते, तुम तो यही बात कर रहे हो। हेलीकॉप्टर से निकलने का हम कितने लोग बैठे घर लोग, हम तो छोटे को कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक बात याद रखो, होश में आ जाओ, प्रचारित आकर होश में आ जाए। अब मुसलमान तो छाप डालने की जरूरत नहीं है, ये मुसलमान ने अगर पलटी मार दी तो तुम्हें छोड़ने की भी जगह नहीं मिलेगी। बता दें प्यार करो, मोहब्बत करो, इसका जो हक है वो इसको दो। प्यार करो, मोहब्बत करो, जो इसका हक है हिंदुस्तान में हो दो। लोग बता रहे थे कि 25% मुसलमान हो गएंगे आधार कार्ड के मुताबिक, तो मैंने सोचा शायद ये आधार कार्ड इसीलिए कैंसिल हो गया कि ये ताला बहुत लंबी आगे निकल गए। लाए थे कुछ और जाल, जाल था फांसने का, चाल वो अल्लाह वाली बात, ये अपनी चालें चल रहे हैं, मैं अपनी चाल चल रहा हूं और अल्लाह की चाल से बड़ी चाल किसी की हो नहीं सकती। बर्बाद हो जाएंगे, नहीं तो नबूद हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और वो काफिर क्या समझते हैं जो दिल में अपने हंसते हैं। क्या बात, इधर बड़ी ठंडा है, क्या खाना वाना नहीं खाया, क्या देख रहा हूँ ठंडा नजर आ रही है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और वो मोदी योगी अभी शक क्या समझते हैं जो दिल में अपने हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी प्रधानमंत्री की कॉल थी, आह्वान था के जनता कर्फ्यू का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए ज्यादा लोग हैं, काफी कम की जगह ज्यादा बढ़ गए, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री की दलील जो थी वो एक दिन की थी बस, और उस वो दलील लोगों की समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई एक दिन के नहीं, आप अपने घर में रुक जाइए, तो लोगों ने उसमें आर्गूमेंट जो आवाम है जनता है वही उसने कहना शुरू किया कि अगर एक दिन के नहीं कोरोना वायरस, अगर हम घर में चले जाते हैं और कोरोना वायरस खत्म हो जाता है तो हम बैठ जाएंगे। तो उसकी तरफ से सरकार ने कोई मजबूत पहल नहीं करी, तो इस वजह से यहाँ लोग ज्यादा है। मैंने ये भी देखा कि ना कोई मास्क है यहाँ पे, ना कोई किसी तरीके का कोई लिक्विड है जिससे सैनिटाइजर, कुछ नहीं है और लोग बैठे हैं। हमने कल अपने मंच से कई बार ऐलान किया इस बात का, इन तकरीरों में अपने ये बात कही कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो हिंदू हों मुसलमान हों कोई भी हो, वो अपने हाथ पैर धोएं, जो भी वर्ल्ड WHO ने अपनी गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से रहें। तो लोगों ने उसका ख्याल रखा है, और मुसलमान जो हैं वो दिन में 5 बार वजू करते हैं तो उनके हाथ पैर वैसे साफ रहते हैं, तो वो और थोड़ी दूरी बना के भी बैठ, इस टाइम आप देखेंगे थोड़ा सा दूरी बना के बैठ भी रहे, तो अपना ख्याल रख रहे हैं सफाई।